यूट्यूब से नकुल गुप्ता हैं और इनका सवाल शोभा डेवलपर्स पे है। 100 शेयर्स इनके पास हैं, 1280 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। दूसरा स्टॉक इनके पास जोमैटो है, 90 शेयर हैं, 133 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। संतोष जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, बताइए शोभा डेवलपर्स 1280 की खरीद और जोमैटो 133 की खरीद, दोनों पर लॉन्ग टर्म व्यू। जहां तक जोमैटो की बात है, सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी ने इन दिनों जो है लास्ट के 2 क्वार्टर्स में काफी अच्छे नंबर्स आए हैं, लेकिन नंबर्स क्या वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? मुझे लगता है कि कई आने वाले क्वार्टर्स के नंबर्स पॉजिटिव होंगे, उसके जो है उसका पूरा वैल्यूएशन कंपनी को दिया जा रहा है। 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और लास्ट अगर देखें लास्ट के क्वार्टर में 138 करोड़ की कमाई थी कंपनी की। तो मुझे लगता है कि जो एक्सट्रपोलेशन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी आपको यही सलाह होगी कि आप जो है राइड द टाइट कर लें, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर डिफाइन करें चार्ट पर। वो स्टॉप लॉस काफी नीचे हैं, तो मुझे लगता है कि 10-15% आपको जो है स्टॉप लॉस बना के रखें, क्योंकि वैल्यूएशन महंगे हैं। बाजार कभी भी जब खराब होगा तो वैल्यूएशन खोजता है मार्केट, उस समय आपको 10-15% जो है आप राइड द टाइट करें। जहां भी जाता है अगर नीचे की तरफ 10-15% गिरावट आती है, उस समय आपको निकलने की सोचनी चाहिए।